अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिया रशीद ऑफिशियल में आपको वेलकम है। कैसे हो सारे? ठीक ठाक हो? लें जी, आज जिस पर्सनालिटी से मैं आप लोग को मिलवाने वाली हूँ, बिला शुबा व तारुफ की मोहताज नहीं है और मैं ख़ुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। माशाल्लाह बहुत सीनियर एक्टर हैं, थिएटर के एक्टर हैं, ड्रामा एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं और इन चीज़ों के साथ साथ वो बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं और उनकी जो एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहीं से भी जब वो कॉमेडी करते हैं मुझे लगता ही नहीं कि वो कॉमेडी कर रहे हैं। मतलब इतना वो सीरियस होकर रहते हैं कि आदमी सोचता है यार ये कॉमेडी हो रही है कि नहीं हो रही। तो बिल्कुल वो मेरे साथ बैठे हुए हैं हसन मुराद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नादिया। सर शुक्रिया आपका कि आपने हमारे छोटे से चैनल के लिए इतना टाइम दिया और अपने बिल्कुल भी नहीं ना की कि नहीं मैं बिजी हूँ ये है वो है, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है सर। मुझे पहले ये बताइए कि छोटा सा चैनल छोटी सी जगह पे इतना बड़ा मुंह फंस सकता है मुझे? ये बहुत बड़ा चैनल है, हम इसमें बहुत छोटे छोटे से हैं। ये आपका प्यार है सर, क्योंकि आप बड़े बाप की बेटी हैं। बहुत शुक्रिया। एम ए रशीद साहब जो कि हमारे सीनियर डायरेक्टर और एक कामयाब डायरेक्टर, और बड़ा कुछ सीखने को उनसे मिला हमें, बेशक तरबियत भी हुई और काम के हवाले से अवेयरनेस भी मिली। बहुत शुक्रिया जी, ये आप लोग की मेहरबानी है। डैड को भी याद करते हैं, वैसे तो नो डाउट डैड एक लेजेंड थे हैं और रहेंगे। सर आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपने इतने करेक्टर जो कर देते हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? इतने सारे कभी कुछ बन जाते हैं कभी कुछ बन जाते हैं, इतना सीरियस फेस आप कैसे रखते हैं ये बताएं जरा। अच्छा करेक्टर्स का मैं तो कुछ भी नहीं करता। अच्छा आप यकीन कीजिए कि उसमें मुझे पता नहीं होता। अच्छा। मैं कर भी जा, वो हो भी जाता है। अच्छा तो बाद में भी भूल जाता हूँ, एहसास। अच्छा, अच्छा 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 मैं ज्यादा इस बात को समझता हूँ, मैं भी सोचता इस बात जी 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 क्योंकि करेक्टर्स वाकई के शुरू से जब मुझे याद है कि बहुत छोटी उम्र में जब मैं इन हुआ था जी, यानी कि छोटी सी मुराद के यंग एज बिल्कुल अर्ली, तो उसमें ये था कि मैंने मुख्तलिफ करेक्टर्स किए जिसमें अपनी उम्र से बड़े रोल्स भी एज वाइज किए जी, और फिर ये खबर ना कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जहाँ से मुझे एडिटर साहिबान ने बताया, मेरे दोस्तों ने जी, कि आप इतने मुख्तसर से अरसे में 100 से अबव मुख्तलिफ करेक्टर्स कर लिए जिनकी कटिंग्स मौजूद है, जी, वो जी, चल जी, चुके हैं माशाल्लाह, नेट पे भी हैं जी, बिल्कुल है, बिल्कुल बेशक हैं। तो इसमें मेरे लिए हैरानगी इसलिए होती है कि मैं वो, इसका मतलब मैं नहीं करता। ओके। फनकार को अल्लाह पाक ने ना, जो आर्टिस्ट होता है वो ये मामला कुछ कुदरत के ही सिलसिले है जिसमें किसी का भी, जैसे कि सिंगर है वो गाता है बेशक, उसके गले में सुर है जी, वो उसको निखारेगा, प्रैक्टिस करेगा, गाएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इस तरह शायर है, मुसव्विर है, एक्टर है, अपनी लतीफा से जो भी जी 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 मुस्लिम लोग है, तो अल्लाह पाक ने ना एक्टर के अंदर एक वसत एक दी हुई होती है जी, बिल्कुल बिल्कुल, वसत इतनी होती है कि वो बहुत सारे कभी गरीब को अंदर से मोल लेता है, कभी अमीर को, कभी अच्छे को, कभी बुरे को, बिल्कुल। तो एक्चुअली वो परफॉर्म कर रहा होता है जिसको वो ऑब्जर्व करता है, बेशक ऐसे ही है। तो इसलिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ऊपर वाले ने वो शायद गुंजाइश ऐसी ही रख दी, तो बाकी दुनिया आप जिसको चाहे समोल ले लीजिए, बेशक वो तो बात बजा है सर आपकी, लेकिन फिर भी इट्स ट्रू बिकॉज हर एक का ही काम नहीं होता। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं वो एक लिमिट तक करते हैं, कोई 5 करेक्टर्स कर सकते हैं कुछ, माशाल्लाह आप में अल्लाह ताला ने कितनी एक सलाहियत दी है, इट्स गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो आप इतने करेक्टर्स कर लेते हैं। तो सर आप इसी फील्ड में शुरू से रहे हैं, कुछ और करने को दिल का था या? मैं शायद बना ही इस फील्ड के लिए था। अच्छा। मुझे यही करना था और मैं यही कर रहा हूँ, इसके बावजूद कोशिश की मैंने जी जी, लेकिन मैं नहीं कर पाया ना, बिजनेस का मुझे है चज कि वो शाम को ही साहब 2-2 4 और उधर 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 वो मुझे आता ही नहीं है, पता ही नहीं है मेरे। वैसे भी घर में भी मामला तो ऐसे ही है कि जो भी होता है कभी ये है वो ओके, मुझे नहीं पता होता ये क्या है वो सिलसिला बिजनेस में जी 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 बिल्कुल। और यहाँ पे तो खासतौर पे पाकिस्तान में बिजनेस, यहाँ पे तो बिजनेस का पहला असूल है कि जो आपके आगे है पहले उसकी गर्दन पे पाँव रखोगे तो उसकी जगह लोगे, या तरीका ये लेग पुलिंग है। मतलब वैसे भी आपके अंदर वो जो एक फनकारा सलाही थी वो तो कर ही नहीं ना सकता। तो सर आपको
मतलब ज्यादा सबसे अच्छा काम करना कहाँ लगा? लाइक थिएटर अच्छा लगता है, लाइक फिल्म अच्छी लगी, होता है ना? आप जैसे मुझे पर्सनली शौक है कि मैं थिएटर पे काम करूँ, बिकॉज आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लर्न करते हैं. फिर एक मुझे रेडियो पे शौक है, मैंने किया भी है, बिकॉज आप वॉइस से खेलना समझ जाते हैं, आपको वॉइस की वाइब्रेशन का पता चल जाता है. तो आपको क्या मतलब कि बहुत ज्यादा होता है यार इधर काम करके मैंने बहुत मजा आया, लाइक? अच्छा, वो ये है कि ये जो काम है ना, जैसे थिएटर है, फिल्म है या टेलीविजन है, मैं घर से तो अब आपने कॉमेडियन कहते हैं ना, तो मैं जब भी कोई यार कॉमेडियन असल मुराद दीजिए वो, तो मैं जरूर देखता हूँ ये किसको कह रहे हैं. बिल्कुल, क्योंकि मैं तो खुद को कॉमेडियन नहीं समझता. आप लगते ही नहीं है, फेस से तो आप लगते ही नहीं है. अब वो मैं तो ना घर से फिल्म के शौक में निकला था. अच्छा, अच्छा. फिल्म करने के लिए निकला था, क्योंकि उस वक्त तो फिल्म एक ऐसा मीडियम था कि जिसको हम लोग देखते थे, और तो कोई ऐसी रिफ्रेशमेंट नहीं थी, वो भी चोरी छुपे ना, वो टाइम निकाल के आधी फिल्म आज देखी, आधी अच्छा, दो दिन बाद देखी. अच्छा. तो घर से इतना टाइम हम दो अढ़ाई घंटे बाहर रह नहीं सकते, नहीं रह सकते थे. तो वो सारा शेड्यूल था, उनको पता था कि अगर ग्राउंड में जाना, स्कूल जाना या जो भी, मतलब उन्होंने टाइमिंग सेट किए होते थे. टाइमिंग तो अपनी कुछ घर वालों ने, लेकिन वो जो पता कि भी खेलना है तो या गली में खेलना है या ग्राउंड में जाना है. ऑब्वियसली जी, पहले दौर के जो लाइफ स्टाइल था वो डिफरेंट था, बच्चे डिफरेंट थे, बच्चे बहुत ओबीडियंट थे. हम लोग को तो एक माँ कह देती थी बैठ जाओ, तो हम सारा दिन वहीं बैठे रहते थे. आप तो माँ बाप को बच्चे कह रहे थे आप बैठे, मैं होकर आता हूँ. तो उसमें ये था कि जो गेम भी थी हमारी पढ़ाई में, माँ बाप ने दाखिल करवाया स्कूल में. जी जी जी. उसके बाद दादे ने थोड़ी सी होश संभाल ली, तो दादा जान ने अखाड़े में दाखिल करवा दिया. अब वो हमारी गेम थी और ये पढ़ाई थी, बाकी घर के काम काज थे. अच्छा, या मोहल्ले वालों के सौदे लाने होते थे, किसी ने आवाज दी उनका काम कर दिया. अपनी चॉइस से फिर मैंने दो तरफ रुख किया. एक तो उन दोनों दूसरी की फिल्में लगती थी, उससे मुझे चूंकि एक्सरसाइज वगैरह किया करता था. अच्छा, अच्छा, अखाड़े में. तो फिर मैंने कराटे को वो क्लासेस ली. अच्छा, दूसरा इमरान खान जब हीरो बने तो मैं क्रिकेट का शौक चढ़ गया. तो ये इंस्पायरेशन थी, बस ग्राउंड, अखाड़ा और ये क्रिकेट, बस ये. तो आपने प्रॉपर पलवानी का शौक किया, अखाड़े में जाते थे, कोई टाइमिंग फुल कोई पलवानी की सही है, बस थोड़ा सा. अखाड़ा जो तरबियत का है. हाँ जी बिल्कुल है. वो हम जिसे पहलवानी के भी इसमें उजार है, वो एक्सरसाइज है, उससे ताकत जोर तो अल्लाह पाक देते हैं. जी जी जी. लेकिन ये एक्चुअली एक तरबियत का है जी. उसमें हमें ये बताया जाता था कि भी किसी की दिलाजारी नहीं होनी, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, और किसी की हेल्प में अगर थोड़ा बहुत आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो भी पॉजिटिव. उसमें कतन ये नहीं करना कि आप इसको कोई मतलब हर्ट नहीं किसी करना या किसी को भी मतलब किसी साथ. वहाँ पे पाकीज़गी और तहारत बात वहाँ पे वो जरूर ट्रेनिंग का हिस्सा होती थी. माँ बाप का अदब क्या होता है, ये सारा मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले शायद मतलब मुझे भी इतना इस चीज का नॉलेज नहीं था. हाँ. कि अखाड़ा में इतनी तरबियत भी दी जाती. हाँ. मतलब आपको वेल मैनर्ड किया जाता है, दूसरे वेज में आप ही कह सकते हैं. दूसरे लफ्जों में ये कह लीजिए कि ये मौला का मैदान है, हजरत अली अलैहिस्सलाम से ये मंसूब है अखाड़ा. हम तो जूते भी पहन के नहीं जा सकते. बेशक, बेशक, बिल्कुल एहतराम और उसकी इज्जत के. तो उसी के लिए बात हारत रहना पड़ता है. और यहाँ तक कि अगर कोई गलीज सोच आपके जहन में ना, तो कोई चोट वोट लग जाती है. वो इतना मतलब माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो बस इसी तरह वो सिलसिला सारा चलता है. तो बाकी और लाइफ का कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा खूब फन किया लाइफ में, या कुछ आपने हार्ड टाइम भी देखा या कुछ ऐसा? देखिए, जिंदगी के नशे वो फ्राज तो सबके साथ चलते हैं, वो डेफिनेटली मैं भी दुनिया में रहता हूँ, मेरे साथ भी हुआ. लेकिन इन बातों का ना मुझ पे असर नहीं कोई नहीं हुआ. आप माशाल्लाह लगे रहे एक अपने उसमें. हाँ, वो असर इसलिए नहीं कि पहले से ही बात ये जहन में बैठी हुई है, कि वही मैं आपको बात कर रहा हूँ, तरबियत की है घर से, कि जिंदगी ऐसे ही है. को खुशी पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना. जी जी. शुक्र अदा करना. जी बिल्कुल. शुक्र अदा करना. जी जी जी. अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, खुश हो. बेशक, ठीक है. अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होगी तो तब भी शुक्र अदा करना, और उससे इतना गमगीन होने की बात नहीं. में बात बैठी हुई यार, कोई टेंशन नहीं है. और वैसे भी जो सफर खत्म हो जाना होता है ना, बिल्कुल, उसके लिए अगर आप किसी के लिए सीट छोड़ के भी खड़े हो जाए तो वो दो मिनट की बात होती है. बेशक, सही है. तो अगर दो सीटों पर भी बैठ जाए तो वो भी दो मिनट की बात है. अभी आप पे डिपेंड है कि छोड़े हो के सीटा पे बैठना है या खड़े हो के किसी
गली चो लंघ दे दूसरी मंजिल की बारी खड़का के कहंदे ने अपनी मोटर बंद कर लेने खलोते हो जहाज नू फड़ के इधर कर दियो भी फैसलाबाद इधर उधर नू चले जाएगा किते फायदे ने बड़ा फायदे ने चलो तुसी अगर चाहो ना ते स्टैचू ऑफ लिबर्टी दी शम्मा भी बाल सकदे हो जड़ी उदे अच्छा कदी बुझ बुझ जाएगी ते मैं ही बाला भी एक मिनट है लेटर देना एलो उदी तो इत्थे भी जला के तुसी चले जाओ तुसी माशाल्लाह वैसे खूबसूरत हो अट्रैक्टिव अल्लाह पाक अट्रैक्टिव हो अल्लाह पाक ने बड़ा करम है ताड़े उते माशाल्लाह मेहरबानी मेहरबानी ओ ए विच जुगत अल्लाह ते कोई कम नहीं 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 तुसी जुगत लाए ना तुसी ते रियलिटी दसी है ना मतलब रियलिटी तुसी ते पासा लाए लगे ना दे ते बच्चे नु भी स्टिकर बना सकदे कोई ऐसी नाज़रीन देखा कितनी मजे मजे की बातें हो रही थी। मैं इनकी फैन भी इसीलिए हूँ क्योंकि ये इतनी सीरियस इतनी कहते हैं ना भोली बसून सी शक्ल बना के इतनी बातें कर जाते हैं और आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो साढ़े व्यूअर्स ना कोई और ऐसी गल शेयर करो जो तुम बड़ा मजेदार कोई वाक्य ऐसा हो देखो जिन्हें मैं बहुत मजा आता भी मैं गल बिल्कुल शेयर नहीं करांगा ए तो गल गलते ना फिर असि की करांगे असि नहीं मजे लांगे नहीं तो मजे लवो फिर मेरे मैं की लो जी भाई गल पता की बाकी अगर जो कहो कि मजे वाली गलत सुना दें जिंदगी सफर अलहमदुल्ला इस काम के हवाले बहुत ज्यादा किया और बड़ी जगह गए असि सरदार कमाल अजूबा वेखन जा रहे सर अच्छा रात का टाइम सफर की थकन इतनी सी मैं गड्डी च बैठा सारे दोस्त कह रहे सन की जाना अजूबा जी 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 बिलकुल बिलकुल उजाड़ जंगल मैं यार मेनु नहीं पता मैं नस के ना उधर गया मैं साइड जाके अपना प्रॉब्लम दूर कर तो प्रॉब्लम थोड़ा जिहा अद्धा क दूर होया मैं थोड़ा रिलैक्स होया मैं क्या दस दियो अजूबा कितने वे कहते जिदे तो तुम अपनी प्रॉब्लम हल कर रहे हो अजूबा ही है पिछला पैर सी और असी उस गड्डी जिहड़ी ते पछवाड़े च खला दी सी ते उस तो बाद सारे ये फ्रंट वाला मतलब तुसी अजूबे नु पानी पानी कर दिता और ते कुछ नहीं कीता बाहर देखो कितनी मजेदार गल है अच्छा इस्तकबाल किया बड़े प्यार ना मैं कि मैं फर्स्ट टाइम गरीब गया सर अच्छा वो यूमैटिक दी किस्त ना सारी ड्रामे दी किस्त लोग उत्ते पई होंगे सन जायजा सी वीसीआर हाँ जी वीसीआर थी बिल्कुल सही वो मैंने वेख के ना प्रोग्राम हसन साहब तुसा कि बहु मैं कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਪੇ ਵੇਖਣਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈਪੀ ਜੀ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ
की खाओगे संसार में भी तो अड़ी तो नहीं है नाल का रे कार दा पक्षी जो मुंह चो कट सो पक्षी पक्षी हुक्म करो तुसी की खा सो जी 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 अच्छा मैं एवी मैं कह यार असी ते ना करेले आ गोश्त बड़ा शौक नाल खाने हां जी बिल्कुल करेले गोश्त यार असल साहब गल पता है कि इन्हें कि पिछले साल ना ऐसा पैरिस तो करेले मंगाए ने हाँ। वो एयरपोर्ट ते मुंडा फड़ाया गया बड़ी बिस्ती उन्होंने कहा तुसी मरासी हो करेले एडी दूरों मंगाने पे हो तो तुसी हुकम करो जो मुंह चो कट सो पक्षी कोई ऐसी गल नहीं अच्छा मैं कह जी फिर तुसी इस तरह करो भिंडी गोश्त पका लो अच्छा असन साहब भिंडी लेसड़ा जिहा सालन होना बंदा खाना ही बेअदब करना है लगना है ये तुसी छोड़ो ना तुसी हुकम करो की खा सो मैं ओही तानू खिला सा अच्छा मुंह चो जो कट सो ओही पक्षी ओही पक्षी मैं क्या फिर इस तरह करो जो फिश पका लो हाँ असन साहब समंदर ते इधर है ने पर फिश इधर आन नहीं दिंदे नाले तुसी खांदे हो तलियां मछलियां असी इत्थे उबलियां पकाने आ मजा नहीं आ असी ना ओ परजाई ताडी ओ वी फॉरेनर नु किथे पता कि ओ मछली किवें पकनी हां सही गल ते मैं उन जेडी डिश दस रहे हां ते ओ दा ना कोई जवाब मतलब एक्सक्यूज कर दिया मैं जी आके गया मैं कह जी फिर चोई साहब इस तरह करो दाल चावल पका लो लो जी फाइनल हो गया ना जी असन ने जो आख्या जो ही पक्षी ओ माय गॉड ते जेड़ा हसन बेचारे इन्नी देर ते लगे ने फिश ते ओ माय गॉड ए चंगा ता नाल जोक हो गया बड़ा लोना ने बड़ा देखो ना वो चीज याद रहती फनी ते मैंने हसन जी दसो के जिंदगी इश्क कितनी बारी कीता जे सही है पॉइंट वाली गल मैं के जानने दे एक क्वेश्चन मैं करना सी ना को बिल्कुल क्योंकि जितने तुसी सोने हो जिन्ने तुसी हैंडसम गुड लुकिंग मैं बैटरिंग नहीं करी मतलब जवानी तो और भी सोने बुढ़ा नहीं तानू कह रही मतलब जवानी तो होर सोने हो गए सोने तो रब दी जात है बेशक बेशक इश्क जेड़ा है ना वो तुसी कह लो के इश्क मैनु बहुत दफा है अच्छा वो इश्क नहीं प्यार जिनू जी जी प्यार प्यार इश्क दी ते गल ले के शुरू बेशक 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 वो दुआ करो कि सानू किधरे हो जाए अच्छा अजय भी करना जी इश्क 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 बिल्कुल इश्क इश्क एक ऐसा वर्ड है कि इधर ते सारे बड़े प्रोग्राम लग सकते हैं इधर डेफिनेशन बिल्कुल वैसे गल थोड़ी सही प्यार कितनी बारी होया प्यार मैं होया पहले ते जो मैं पढ़ना सन तीसरी च इश्क तेरी प्यार जी जी पहला मैं होया तीसरी क्लास च अपनी बाजी नाल जिहड़ी मेरी टीचर सी जिन्हां नूं मिस वगैरह ने सी कहिंदे बाजी कहिंदे हां बाजी भी कहिंदे या पता नहीं साडे च कि ओह स्कूल हुंदे सन कि ओह ਧੁੱਪਾ ਹੀ ਹੈ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੋ ਅਗਰ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਲਾਸ ਆ ਸਨ ਆਹੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਵੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਬਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਲਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ 14 15 ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੋਨ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਟੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲਬਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਖਾੜੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸਾਂ ਜੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਤੇ ਮੈਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਬਾ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਕਸਾਵੇ ਉਹ ਖੈਰ ਮੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੁਕਾ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸੇ ਉਹ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਗਲੀ ਮੇ ਰੁਕਾ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਂਕਾ ਨਾ ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਧਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਪੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇਤਫਾਕ ਸੇ ਵਾਂਗ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਰ ਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕਾ ਸੋ ਰੁਕਾ ਉਹ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਬ ਉਹਨੇ ਜਾ ਪੜਾ ਤੋ ਬਹਰਾਲ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ
ना आता पता सब कुछ। शुक्र है अपनी फोटो नहीं बनाई। नहीं फोटो तो बनी पई हो ना, गलना तो फोटो बन जाती है। नीचे ये लिखा हुआ था कि आपका फलां मेरा नाम। हाँ जी ठीक हो गया। लो जी उसके बाद फिर वो दुर्घटना बनी, फिर आपका पूरा हुआ। अच्छा वो पूरा हुआ, वो बीच में रहेगी रह गया। हाँ। अब उसमें क्या हुआ कि उसकी जो पंच है उस बात की कि उस लड़की की शादी जो सबसे ज्यादा मुझे ना मार का दुख, अच्छा ना रुका पकड़े जाने का दुख। अब उस वक्त ये रिवाज था कि कोई भी शादी होती थी इर्द गिर्द या मोहल्ले में तो लड़के जो सारे काम कर रहे होते थे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, कोई कली बिछा रहा है, कोई वेलकम लिख रहा है, कोई कनाते लगा रहा है, और फिर खाना खिलाते वक्त वो एक लाइन कितार सी जी जी वो पकड़ नहीं पा रहा था आगे आगे मतलब वेटर्स वगैरह मोहल्ले वाले हेल्प करते थे। जी बिल्कुल सही, हेल्प करते थे जो भी सादा ऐसा ही। ऑब्वियसली तो मैं भी उसी तरह, अब उसी लड़की की शादी और मैं भी उसी तरह वो कुर्सियां लगा रहा था। हाय अल्लाह, रो रो के दुखी दिल से एक एक कुर्सी उठाने में कितना टाइम लगा आपको हसन जी? कुछ ना पूछो। इमरान खान नूं इन्ना टाइम नहीं लगा होना जिन्ना मैनूं लगा कुर्सी उठाने वास्ते, उन्होंने तो 20-22 साल लगे ने। हाय हाय बहरहाल दिल ते बड़ा छुरियां चलियां, बड़ियां छुरियां सब तो जिहड़ी ओहदे ते अखीर कीती है ना, जिसले उस लड़की दे बाप ने मेनू आके ऐ किया ने। हाँ। और पुत्र खुल के काम कर, तेरी भैन दा व्याह है तू क्यों? मैं कहा जी जी चाचा जी बिल्कुल, भैन दा व्याह है तेरी भैन। तो अब आप ये सोचे कि सारे इश्क एक बीच जुर्रत की थी या प्यार जी 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 हाँ, ते वो फिर एक जगह दे आके ना फिर एक फिर की वो खलीफे उन्होंने काम नहीं है जे परे सन है जी गलना उन्होंने डराया है जी। पहले दिन ते उन्होंने ना जानती सब तो पहले कि स्वाब दा काम मैं दसिया जी, उन्हें कहा पुत्र अच्छा चलो स्वाब दा काम जरूरी भी सारे नलके टूटियां बंद रखनियां तो भले वक्त सन जी। बस उस्ताद उन्हां दी गल ते अमल कीता, महल्ले च कोई टूटी खुली है मैं बंद कर ले। अच्छा घर दे विच अगर बंद भी है टूटी तैनूं वेख रहे आ कि वी कुछ हो ते नहीं रही वो कहिंदा भी नहीं, फिर भी उन्होंने तिआत उन्होंने बंद कीता, बंद कर दिता। यानी कि हमाम वाले ने मैनूं जुतियां मारियां कि टूटियां तू बंद कर जा, मैं मेरे गाहक परेशान होण लगे। लाहौर दे विच इन्नी कि टूटी मैं बंद कीती होणी है जिन्ने नलके नहीं। अल्लाह हू अकबर, मैं 2 साल टूटियां बंद ही करदा रहा इस कारे स्वाब दे विच कि पानी ना लगे, पानी ना इधरों निकले ना उधरों ना, ओ की गा के भी सारा फिर मैं कुछ ना ले जाईदा सी ओते ज्यादा हाथ नहीं। हां जी हैंड पंप जड़े हुंदे सी, हैंड पंप ओ ते मैनूं टेंशन नहीं सी कि अपनी मर्जी ना जेड़ा गे दे पानी निकल आएगा ओ टूटिया मैनूं बहरहाल। उस तो बाद 2 साल मैनूं बाद पता लग गया कि है टूटी सही है तो फिर मैं बंद कर रहा तो मैं कहा चलो स्वाद का काम ही गया। उस तो बाद फिर वो फिर नहीं मैंने केयर की थी बिल्कुल सही वो दी, मैं कहा कोई गल नहीं गया बड़ा स्वाद खट ले। अच्छा जी हुन ऐ दसो कि साडे व्यूवर्स नु अपने व्यूवर्स नु कोई की कोई पैगाम ऐसा देना चाहोगे साडे प्रोग्राम दे थ्रू, ते कोई ऐसी गल करना चाहो प्यारा जिहा मैसेज जो सब दे काम आवे। मेरी कोशिश यही होंदी है बस जे सब दे काम वाली गल ही है ओ ते है ये के भई डरना डुरना कोई नहीं, सारे जी सारे ही है। ये जिहड़ा जिथे असीं आए हैं ना जिन्हों असीं दुनिया कहंदे आ जिहदे शोबिज भी है काम भी है बंदा तको दो नस पच कर रहा होंदा, तो यकीन करो कि जिसम नादिया जी स्ट्रगल कर रहे ने चैनल वास्ते ठीक है स्ट्रगल करनी चाहिए है सारा कुछ होना चाहिए, मैं भी करना वा बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये असं परेशान नहीं होना। असल दे विच साडा काम नहीं है, असीं आ काम करन नहीं आए, ये तो सिर्फ असीं जिहड़ा काम ही करना ना कि जिसले अल्लाह पाक ने सारिया रूहों नूं इकट्ठियां करके पुछया कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो सब रूहों ने इकरार किया कि हाँ आप हमारे रब हैं,
तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अब मैं जहाँ तुम्हें भेज रहा हूँ मैं तुम्हारी याददाश्त से ये बात को मिटा दूँगा, लेकिन इस बात को याद करवाने के लिए मैं अपने अंबिया को भेजूँगा, नेक बंदों को भेजूँगा जो बार बार आपको याद करवाएंगे, करके दिखाएंगे, बताएंगे। अगर ना समझ आए तो मैं आप तुम्हारे अंदर एक सिस्टम लगा रहा हूँ, एक आला लगा रहा हूँ, वो आपको 24 घंटे इस बात की आगाही देता रहेगा कि तुम्हारा रब वो है। तुम्हारा रब का मतलब है पालने वाला, पालने वाला साहब समझते ना, माँ बाप, माँ नू पता है कि किमें पाल लीदा है, बाप नू पता है किमें पाल लीदा है, उसके सौन का भी ख्याल, उसके जागन का भी ख्याल, सुच चुंगड़िया ना दे दे, कोल वाला फड़ लवे, किधर डिग ना पवे, सीढ़िया चो ना डिग पवे, पासा लैके बेड से नीचे ना गिर पड़े, बिल्कुल। तो वो उसको कहते हैं पालना, बच्चे को नहीं पता, वो मस्ती में जो कर रहा है ठीक है, ऊपर से केयर होनी है, बिल्कुल। इसी तरह अल्लाह पाक जब हम बड़े भी होते हैं वही केयर कर रहा होता है, वही हमें बचा रहा होता है, वही हमें बेड से गिरने नहीं देता। वो जब हम सो जाते हैं तो हम आधे मर जाते हैं तो हमारे सराहने बैठ के हमारी सांसें चला रहा होता है। तो हमारा यहाँ पे और कोई काम नहीं है, ना एक्टर बनना ना स्टार बनना, वो जो बनना है वो ठीक है, वो जो बनना है वो बनेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें सिर्फ वो बात जो हमारे जहनों से रेज कर दी गई है इस ढाई अढ़ाई पल में, इस छोटी सी जिंदगी में, हमें वो वादा याद करना है जो हमने वहाँ किया था और ये कहा था कि हाँ आप ही हमारे रब हैं, बेशक। तो ये सबके लिए है, जिस जिसको इतनी भाग दौड़ में वो बात याद आ गई वो तो बन गया जी स्टार, वो तो हो गया कामयाब, नहीं तो फिर मेरे वंगर जूता ही कर करके सावांगे। नहीं नहीं तुसी ते हुण तुसी इह दसो साडे चैनल नूं कहो कि जी ताडे चाह नाले वी ते साडू वी जो देखदे ने कोई ते चैनल नूं प्रमोशन वास्ते की बोलोगे ते लो जी पहली गल ए कि इह भाई जिहड़े हुंदे ने कहिंदा मर्द असीं किसे अगे टंग नहीं चुके साडी छाती ते हत्थ जोड़ीए, नहीं नहीं लेकिन आ जुड़े पे हाउ स्वीट, पर तुहानूं रब दा वास्ता जी, देखो वास्ता वी वड्डा किहदा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, 5 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਹੋਣ, 7 ਕਰੋੜ ਵਿਊਜ਼ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਣੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਜਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਦੀਆ ਰਸ਼ੀਦ ਆਫੀਸ਼ਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਹਸਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਓਨੈਸਟਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਹਸਨ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਂ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤੇਂ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਬ ਆਪ ਲੋਗ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਆਪ ਲੋਗ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਔਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।